खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बेरोजगारी के लिए तेजस्वी ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, साथ ही उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया है। उन्होंने बेरोजगारी से संबंधित सरकार से 18 सवाल पूछे हैं। वहीं जीतनराम मांझी के अल्टीमेटम पर अपनी बात रखते हुए कहा कि कोऑर्डिनेशन ही था, इसलिए हमने मांझी जी के बेटे को MLC बनाया है। महागठबंधन में मचे बवाल के बाद आज तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लेके माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव महागठबंधन को लेके कुछ सफाई देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बेरोजगारी यात्रा को लेकर एक ऐप जारी किया है, साथ ही एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेरोजगारी को लेकर 18 सवाल पूछे हैं। जनतंत्र टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। तो एक ओर जहां पूरा देश निर्भया के दोषियों को सजा में हुई देरी को लेकर दुखी है, तो वहीं बिहार के सीतामढ़ी न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में स्पीडी ट्रायल चला। दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। फैसले को इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 155 दिनों के भीतर स्पीडी ट्रायल चला कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि सीतामढ़ी जिले के कन्हौली में बीते साल दो नाबालिग बहनों ने के साथ गांव के ही सात लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही आरोपियों ने रेप का वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया था। पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर सभी सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद 155 दिनों के भीतर स्पीडी ट्रायल के तहत न्यायालय में सुनवाई की गई और मंगलवार को ऐतिहासिक सजा सुनाते हुए सभी सातों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रांची में बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने चाईबासा नरसंहार घटना की न्यायिक जांच की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक इस मामले की NIA से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं विधायकों ने कहा कि सरकार आदिवासियों के लिए चिंतित नहीं है, दलितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, आदिवासियों पर हमला हो रहा है और सरकार आंख कान बंद करके बैठी हुई है। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, हाथों में पोस्टर लिए यहाँ लोग खड़े हुए और लगातार प्रदर्शन किया गया। तो चाईबासा नरसंहार को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था और लगातार इनकी मांग थी कि जल्द से जल्द उनको सजा दी जाए। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विधानसभा के बजट सत्र की। तो विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी सरायकेला खरसावां में मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी की पत्नी को लेकर विधानसभा पहुंचे। सदन के बाहर पहुंचते ही इरफान ने कहा कि ये वही तबरेज अंसारी की पत्नी है जिसकी हत्या भाजपा के गुंडों ने कर दी थी। विधायक ने तबरेज की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। तो लगातार तबरेज अंसारी की पत्नी विधानसभा पहुंची है विधायक को लेकर। इसी के साथ पत्नी की ये मांग है कि सरकारी नौकरी दी जाए। स्वर्गीय तबरेज अंसारी की पत्नी है और कल ये आत्महत्या करने जा रही थी। मुझे मालूम चला, मैं उसके घर गया, मैं उसको बचा के नहीं लाया हूँ और मैंने कहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा, हमारी सरकार यहाँ बनी है। और आज हेमंत सोरेन से इधर देख के सर मैं मांग करूंगा कि इस परिवार को और इस बच्ची को इंसाफ मिले, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति तंगी है और कोर्ट में लड़ने का पैसा नहीं है। वकील को पैसे देने के नौबत इसके पास नहीं है। संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल राकेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है नरसंहार मामले को लेकर लगातार बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए, आखिर क्या कुछ इनकी मांगे थी? देखिए अंशिका, जिस तरीके का माहौल था बीजेपी का, खास करके बीजेपी लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रही है कि राज्य में किस तरीके की परिस्थितियां हैं। हाल के दिनों में जैसे ही नई सरकार बनी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से चाईबासा में एक बड़ा नरसंहार हुआ था और इस इलाके में जो आदिवासियों की परंपरा है पथलगड़ी, उसको जोड़कर देखा जा रहा था। तो ऐसे में उनकी मांग है, खास करके बीजेपी के विधायकों की, इसकी पूरी तरह से जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि जो हत्याएं हुई है, जो नरसंहार हुआ है, उसमें कहीं न कहीं एक साजिश के तहत हत्या कराई गई है, नरसंहार कराया गया है। तो कुल
मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर कई मुद्दों को लेकर घेर रहा है और आज जैसे ही बजट सत्र शुरू हुआ वैसे ही बीजेपी के तमाम विधायकों ने चाईबासा मामले को लेकर घेराव भी किया और प्रदर्शन भी किया। जी बिल्कुल राकेश, लेकिन जिस वक्त अगर हम कुछ रोज पहले की तस्वीर पर नजर डालें, कुछ महीने के पहले की तस्वीर पर, जब हेमंत सोरेन शपथ ले रहे थे बाकायदा मुख्यमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के पद के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मैं किसी वर्ग को लेकर बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं लूंगा, सारे वर्ग मेरे लिए एक बराबर है। तो आखिर ये क्यों बीजेपी कह रही है कि आदिवासियों को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है सरकार, आखिर क्यों उन्हें इस तरीके से महसूस हो रहा है? देखिए, जिस तरीके का माहौल झारखंड गठन का उद्देश्य भी कहा जा रहा था कि राज्य का जब गठन किया गया था तो आदिवासियों और मूलवासियों के हित को ध्यान में रखने की बात कही गई थी और जब जब नई सरकार बनती है तब इस तरह के मामले सामने आते हैं। हेमंत सोरेन ने जैसे ही शपथ ग्रहण किया वैसे ही उम्मीद जताई जा रही थी कि राज्य में आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ के जो निवासी हैं उनके हित में सरकार तेजी से काम करेगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से राज्य में आदिवासियों और मूलवासियों को नजरअंदाज किया गया है। जो उनकी योजनाएं हैं, उनकी जो बड़ी राशि केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है उस राशि का पूरी तरह से खर्च भी उन पर नहीं किया जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल झारखंड में पड़ता है बराबर और बार बार इस बात पर चर्चा की जाती है कि आखिर किस तरीके। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार जो तमाम बीजेपी विधायक हैं वो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए नरसंहार मामले को लेकर, तो वही मॉब लिंचिंग को लेकर लगातार जिसकी हत्या हुई है उसकी पत्नी ये मांग कर रही है कि जल्द से जल्द हमें सरकारी नौकरी दी जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस को लेकर सरकार काफ़ी सतर्क नजर आ रही है। रांची में सदन में जाने से पहले सभी विधायकों को मास्क और सैनिटाइजर दिया गया, साथ ही सलाह भी दी गई हमेशा मास्क लगाया जाए और साथ ही सैनिटाइजर का समय समय पर प्रयोग करते रहे। तो कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है, सावधानी बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ मास्क का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कोरोना वायरस को लेकर ये संदेश फैलाने की कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल भी इससे ना डरें और ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें। पूरी तरह से धोखा है ये। अमूमन होना चाहिए ये था कि N95 स्टैंडर्ड का मास्क मिलना चाहिए, ये विशुद्ध रूप से सर्जिकल मास्क है। आप आखिर किसको धोखा दे रहे हैं? जनता को, क्षेत्र जो झारखंड की जनता, उनको ठगने और धोखा देने का काम ये सरकार कर रही है। अब आप देखिए कि विधायकों को सदन के बाहर भी, यहाँ भी ठगने से बाज नहीं आ रही है सरकार। इसलिए इस प्रकार का धोखा देना सरकार बंद करे, इस विषय को अभी सदन में उठाऊंगा। आज अभी विधानसभा में जब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और विधानसभा के अंदर जहां पर झारखंड का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर है और यहां विधायकों को जो मास्क मिल रहा है वो N95 के जगह ये सर्जरी वाला मास्क है, इससे कोरोना पर सरकार कितनी गंभीर है और कितनी चिंतित है ये दर्शाता है। और अगर सरकार का यही रवैया रहा है तो भगवान का आशीर्वाद है कि अभी तक झारखंड राज्य में एक भी पॉजिटिव केस डिटेक्ट नहीं हुआ, और अगर डिटेक्ट होगा तो सरकार कितनी गंभीर है इस पर हम लोग आपके सामने देखिए ये मास्क लगा हुआ है और ये मास्क पहन के कोई फायदा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पक्ष और विपक्ष का विभाग नहीं है, ये सभी लोगों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करने वाला विभाग है और हम ये मानते हैं कि विपक्ष के लोग भी हमारे ही भाई हैं और उनको भी यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होगी तो स्वास्थ्य विभाग वहाँ भी मजबूती से खड़ा होगा। रहा सवाल जो हम सैनिटाइजर और ये कर रहे हैं, इसके लिए अब उनका आरोप है तो वो उनका काम है कहना, हमारा काम है करना। तो वहीं देवघर में निजी क्लिनिक में कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। डॉक्टर ने पीड़ित मरीज को इलाज के लिए सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जमशेदपुर टाटा भेज दिया। वहीं इस मामले में डॉक्टर का कहना है कि मरीज की उम्र 47 साल की है जो पहले से ही डायबिटीज, निमोनिया और किडनी की बीमारी से ग्रस्त था। जाँच के दौरान मरीज में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। पेशेंट जो था वो रोहिणी का रहने वाला था और उनको दम फूल रहा था, पिछले 4 दिन से सांस की तकलीफ थी। जब एक्सरे कराया तो दोनों साइड निमोनिया, सस्पेक्टेड निमोनिया लग रहा है और उनको डायबिटीज़ भी था, ब्लड प्रेशर भी था और अभी जब खून का जांच का रिपोर्ट आया तो उसमें किडनी भी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका था। तो पेशेंट थोड़ा ठीक नहीं लगा तो उसको एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो भी है
इन्फॉर्म कर दिया गया था अथॉरिटीज़ को और उसको बाहर रेफर कर दिया गया। हमने उसको शायद जमशेदपुर बोला है क्योंकि जैसे इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है इधर उधर से कि जमशेदपुर ही उसका सेंटर बनाया गया है। तो वहीं झारखंड के नए डीजीपी एमवी राव ने अपना पद ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पुलिसिंग में गुणात्मक सुधार की होगी, पुलिस को जनता के लिए ज़्यादा सुगम और अकाउंटेबल बनाया जाएगा, जिलेवार समस्याओं की लिस्ट बनाकर उनको दूर करने की कोशिश होगी। रांची स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय में नए डीजीपी ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर पूर्व डीजीपी केएन चौबे ने उन्हें बधाई भी दी। एमवी राव ने कहा कि 10 अपराधों की लिस्ट बनाकर उस पर रणनीति के तहत कार्रवाई की जाएगी और 100 दिन के अंदर लोगों को इसका असर भी नजर आएगा। तो वहीं गिरिडीह में भेकोफ बदमाशों ने हथियार के बल पर मिर्च कारोबारी से 5 लाख रुपए लूट की। बताया जा रहा है कि कारोबारी व्यापारियों से तगादा कर वापस लौट रहे थे, तभी हथियारों से लैस 4 बदमाश बस में चढ़े और लूट की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। तो हथियार के बल पर व्यापारी से 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो हाथ दिया, हम रोक दिए, तो हमारे तरफ आया एक लड़का और रिवाल्वर दिखा दिया, तो रोको गाड़ी ने तो मार देना है, उनसे कोई मतलब नहीं गाड़ी रोकी। और उसके बाद दूसरा लड़का गेट से चढ़ गया और डायरेक्ट इसके पास, जिसके पास जाने था व्यापारी, बोला ये वो व्यापारी करता है उससे के हम लोग आए, तो डायरेक्ट उसके यहाँ गया, वो मामला उजाए, उधर का हम नहीं कर सकते। कितने लोग थे? हम लोग 3 लोग बाइक में थे, एक बाइक में 3 लोग। उसके बाद गोली भी चला क्या वहाँ? हाँ, गाड़ी में गोली अंदर से चला, अब अंदर जाके चला ये बोलता है व्यापारी बाहर से चला, अगर बाहर से चलता तो आदमी जितना खड़ा था लग जाता।